हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का। तो एमपी व्याप हमने ग्रुप टू सब ग्रुप थ्री के जो एग्ज़ाम हुए थे, एक मंथ तक एग्ज़ाम चला था, एक मंथ से भी ज़्यादा चला था, जो ग्रुप टू सब ग्रुप फोर का एग्ज़ाम था, जिसमें सहायक संपरीक्षक, पटवारी और अलग इक्विवेलेंट पोस्ट थे। तो उनका आंसर की रिलीज हो चुका है, तो जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए थे वो अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। तो सिंपली करना क्या है आपको, आपको वेबसाइट में जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट MPESP। इस वेबसाइट में जाने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली आप देख लीजिएगा, फर्स्ट ही लिंक में आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपका एक एक्सटर्नल वेब पेज ओपन होगा। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट 2022 के नीचे जस्ट ही आपका लिखा होगा ग्रुप टू सब ग्रुप थ्री। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपको थोड़ा टाइम लेगा आपके नेट स्पीड के अकॉर्डिंग। अगर आपको नेट स्पीड अच्छा है तो वो सिंपली उसको जल्दी ही ये ओपन हो जाएगा। या फिर क्या है कि अभी आया है तो बहुत सारे कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को दिया था, तो उसका सर्वर लोड बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो सर्वर लोड कारण ही ये बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। ये आप देख सकते हैं कि एक ही साथ इतने कैंडिडेट लोग चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर सर्वर लोड भी प्रॉब्लम कर रहा है, सर्वे पेज भी दिक्कत कर रहा है। तो यहाँ पर आपको इस टाइप का प्रॉब्लम शो कर रहा है कि दिस सर्विस इज अनअवेलेबल। या फिर हो सकता है कि एमपी व्यापम ने एक लिंक तो या फिर टाइटल तो उन्होंने डाल दिया, पर इसमें डाटा को अभी तक फीड नहीं किया है। तो आप कुछ देर वेट करिए, यहाँ पर डाटा फीड हो जाएगा और आपको आपका आंसर की और क्वेश्चन पेपर दोनों ही मिल जाएगा जो आपने वहाँ पर टिक किए हैं। फिर आपको लगता है कि जो क्वेश्चन में दिक्कत है या फिर प्रूफ है आपके पास कि मैंने सही लगाया है पर आंसर किने गलत दिया है, तो आप उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। ऐसे अपडेट जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।